नमस्कार, मानपूर्णा फूड एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसालेदार भिंडी। देखिए कैसे बनाते हैं। ये आज भिंडी बनाएंगे, ना आपकी चिपकेगी, ना आपकी गलेगी, ना आपकी पिचसी बनेगी, एकदम बढ़िया बनेगी। देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये भिंडी को हमने 2 घंटे पहले धो के रख दी थी, पूरा पानी इसका सूख गया है। अगर आप तुरंत के तुरंत धोते हैं तो उसको कपड़े से पोंछ लीजिए। भिंडी एकदम सूखी भी होनी चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भिंडी के आगे पीछे का हिस्सा निकाल करके उसके बीच से काटेंगे हम। 2 पार्ट करेंगे भिंडी के, लंबी लंबी भिंडी काटेंगे आज हम। इस तरह से भिंडी बनाएंगे। भिंडी बनाते समय हमेशा समस्या रहती है कि भिंडी जब बनाओ तो कभी गीली हो जाती है, कभी पिचपिची सी हो जाती है, मजा नहीं आता कभी कभी। खास तौर से जब आपके यहाँ कोई मेहमान आया और भिंडी फिर ऐसी बन जाए, कलर ही ना रहे उसमें, तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। और आप इस तरह मेरी तरह बनाएंगे ना आपकी भिंडी, भिंडी का कलर भी बहुत बढ़िया रहेगा और आपकी भिंडी कभी भी चिपचिपी नहीं बनेगी। देखिए गैस खोल दी हमने, गैस पे पैन चढ़ा दिया है और भिंडी हमारी सारी कट गई है। सारी भिंडियों को हमने लंबे लंबे में काटा है और प्याज को भी, 2 प्याज को भी लंबे लंबे में काटा है। पैन गरम हो जाए हमारा, इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। सरसों का तेल डाला है, सरसों के तेल में ही भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है। जब हम गर्म हो जाए हमारा तो भिंडी डालेंगे इसमें और भिंडी को हम सैलो फ्राई करेंगे। इससे क्या होता है, भिंडी की जो ऊपर की लेयर होती है, स्किन होती है, वो एकदम से बढ़िया कुरकुरी हो जाती है। और जब आप मसाला डाल के बनाएंगे, नमक डाल के बनाएंगे, तो आपकी पसीजेगी नहीं और बढ़िया भिंडी बनेगी। एक एक पीस आपका अलग अलग रहेगा, साइन करता हुआ रहेगा और देखने में भी सुंदर लगेगी, खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह से आप भिंडी बनाएंगे तो आप इसको सैलो फ्राई करिए, आराम से चलाते जाइए और बढ़िया खूब कुरकुरी सी हो जाती है, अच्छी सी बढ़िया सी। इसका जो पानी होता है भिंडी का मॉइस्चर, वो पूरा ख़त्म हो जाता है सैलो फ्राई करने में। आप धीरे धीरे पलटते जाइए, 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको ऐसा करने में। और भिंडी में नमक नहीं डालेंगे, लास्ट में नमक डालेंगे भिंडी में, क्योंकि नमक पहले से डाल दो तो नमक अपना पानी छोड़ता है, भिंडी को गीला कर देता है, इसलिए नमक पहले से कभी नहीं डालना चाहिए भिंडी में, और कलर भी उसका खराब हो जाता है भिंडी का। भिंडी हमारी हो गई है, 5 से 7 मिनट लगे हमको, भिंडी को निकाल लेंगे। बढ़िया सॉफ्ट भी हो गई है भिंडी हमारी, हाफ सॉफ्ट हो गई, हाफ हमारी बाद में होगी। सारी भिंडी निकल गई है, अब बस 1 चम्मच तेल डालेंगे, बहुत कम तेल डालेंगे क्योंकि हमने भिंडी सैलो फ्राई कर ली है, हमें तेल की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा तेल डाल के प्याज को भूनेंगे। 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे इसमें और 1/4 चम्मच हींग डालेंगे इसमें, और 2 प्याज जो हमने लंबे लंबे काटे हैं वो डालेंगे इसमें। अजवाइन बहुत पाचक होती है क्योंकि भिंडी हल्की सी, इसमें बादी की समस्या रहती है, तो अजवाइन हमारी भिंडी को पचाने का काम करती है, इसलिए भिंडी में हमेशा अजवाइन डालनी चाहिए। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे हम इसको, आराम से चलाते जाइए। प्याज भून रही है बढ़िया, लंबी लंबी प्याज है, पतली पतली कटी, जल्दी से भून जाएगी, टाइम भी नहीं लगेगा। आधी प्याज भून चुकी है, अब जो 2 मिर्चा थी वो हमने गोल गोल करके काट के रखी थी, वो इसमें डालेंगे। मिर्चा भी डाल देंगे इसमें, इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार होती है, कुछ पूछो मत। आप पूड़ी के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए,
मेरे बच्चों को पूड़ी के साथ पसंद है, उन्हें भिंडी और पूड़ी मतलब उनका फेवरेट भोजन है। आप भी अपने बच्चों को बनाकर खाइए, बहुत एंजॉय करेंगे बच्चे। क्या हमारा हो गया है गुलाबी गुलाबी सा? चौथा चम्मच हल्दी डालेंगे, बहुत अधिक हल्दी डालने की आवश्यकता नहीं है भिंडी की सब्जी में, क्योंकि हमें ग्रीन ही रखनी है अपनी सब्जी को, कलर अपना भिंडी का ख़राब नहीं करना है। हरी सब्जियों में से भी हल्दी की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमने भिंडी सैलो फ्राई की थी वो सब भिंडी डाल देंगे इसमें। इसको चला देंगे अच्छे से ऊपर नीचे करके। देखो नमक अभी भी नहीं डाला हमने, नमक अभी नहीं डालेंगे हम इसमें, नमक बहुत जल्दी पानी छोड़ता है, फिर हमारी सब्जी को ही डिस्टर्ब कर देता है। खास तौर से भिंडी को तो हमेशा डिस्टर्ब करता है नमक। हल्की सी ढक देंगे कि थोड़ी सी बची है उसमें भिंडी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए रखेंगे बस इसको। बस हो गई हमारी भिंडी, देखो सॉफ्ट हो गई। कांटे की सहायता से इसको देखेंगे, बढ़िया कट रही है भिंडी, अच्छी हो गई भिंडी। क्योंकि नमक नहीं डाला है तो पानी भी नहीं छोड़ेगी भिंडी। और 1 से 1.5 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। अब हमारी भिंडी सॉफ्ट हो गई है, अब मसाला डालेंगे इसमें। 1/2 चम्मच गर्म मसाला डाला है हमने, सबको अच्छे से मिला देंगे मसाले में। गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज कर देंगे। अब 1/2 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमने 2 हरी मिर्चा भी डाली थी पहले काट कर। अब डालेंगे नमक लास्ट में, हमने 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार डाला है। अब इसको मिला देंगे, क्योंकि हमारी सब्जी पूरी कंप्लीट बन चुकी है, पूरी सॉफ्ट भी हो चुकी है, मसाला भी डल गया है, लास्ट में डालेंगे डाला नमक हमने। पूरी कंप्लीट हो गई हमारी सब्जी। आपको कहीं भी एक बूंद लिसलिसी चिपचिपी बिल्कुल भी नहीं दिख रही होगी। चम्मच इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे, आप नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू से भी चिपचिपापन जो होता है ना लिसलिसापन भिंडी का, वो भी खत्म हो जाता है। नींबू भी डाल सकते हैं आप। देखो भिंडी तैयार हो गई है मेरी, करारी मसाले वाली भिंडी। देखिए, देखते ही खाने का मन कर रहा होगा बढ़िया। मैंने तो पूड़ियाँ बनाई हैं बच्चों के लिए, और भिंडी पूड़ी बच्चों को सर्व किए, बच्चों ने इंजॉय किया बहुत। आप भी बनाइए, इंजॉय करिए, और मेरी तरह से भिंडी बनाएंगे तो अभी कभी समस्या नहीं रहेगी चिपचिपी भिंडी की। देखो प्लेट तैयार है। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। जो सामने गोल बटन दिख रहा है इसको प्रेस करिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, जय माता दी।